तू अब मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि किसी और के सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। ऐसा मेरे साथ आज तक किसी मेकर को भुला के बैठाइए मेरे सामने और बोलिए कि मेरे से ज़्यादा टाइमिंग पे काम करने वाला, मेरे से ज़्यादा प्रमोशन करने वाला, मेरे सिनेमा का टीजर या ट्रेलर या कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले लोगों को लाइव आकर बताता ज़रूर हूँ कि मेरा पोस्टर आया है, मेरा ये आया है, मेरा वो आया है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैं काम करता हूँ मैं पूरी दुनिया को बताऊँ ताकि दुनिया देखे, क्योंकि जब मैं ही नहीं बताऊंगा तो दुनिया कैसे देखेगी। क्या खेसारी जी फरिश्ते को लेकर के सिनेमा तक जाएंगे प्रमोशन के लिए या सोशल मीडिया तक आ जाएगा इसका प्रमोशन? आजकल कौन थिएटर जाता है मुझे आप बताइए, एक आदमी थिएटर नहीं जाता, हर आदमी सोशल साइट पे ही चीज़ों को जितना प्रमोट कर सकता है वो कर रहा है। अगर हमें थिएटर जाना होता तो फिर हम आप सबको क्यों बुलाते? आप सब एक आईना है और आप सब चीज़ों को जैसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, कोशिश आपकी भी रहती है एक सिनेमा को बड़ा करने में। तो मैं क्या बोला कि अगर लोगों का प्यार और हुजूम आया और बेहतर चीज़ें हुई तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम थिएटर तक भी जाकर और गांव-गांव में घूम घूम कर इसका प्रचार करें और लोगों तक बताएं। फरिश्ता में पागल का कैरेक्टर करने की कुछ तैयारियां किया था आपने? तैयारी भाई मैं कुछ नहीं करता, लेकिन कष्ट बहुत होता है और विदाउट तैयारी कुछ होती नहीं है। तो जब वो रोल मुझे मिला तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कभी पागल बना नहीं, मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ यार, अब मुझे पागल बनना है तो हाँ, तो पागल बनना है तो ऐसे तो मैं पागल रहता ही हूँ। और इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, या चाहे आपके सिनेमा में हो, या काम में हो, या दुनिया के किसी भी चीज़ों को, जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी शायद आप उसको अच्छे से निभा नहीं पाओगे। मेघा एक बहुत सुलझी हुई लड़की हैं और बहुत मेहनती हैं, और हमारे लैंग्वेज से तो नहीं है वो, बट उनको कुछ भी दे दीजिए वो तुरंत रेडी हो जाती हैं, तुरंत तैयारी कर लेती हैं। गुड नेचर, गुड डांसर, गुड एक्टर, गुड टाइमिंग, मैंने वो सेकंड खेसारी लाल है, क्योंकि टाइमिंग पे अगर आपको 5 बजे मेघा को बुलाना है तो वो 4:30 बजे विथ मेकअप, जबकि वो अपना मेकअप मेन तक लेके नहीं आती है, वो अपनी मम्मी के साथ आती हैं, एक बॉय रहता है, लेकिन वो तैयार बहुत जल्दी होती हैं, शॉट बहुत जल्दी देती हैं और उनको जितना आप समझा दीजिए उससे बेहतर करके जाती हैं। तो ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों में होता है और उनके अंदर काम की भूख है, तो ज़िंदगी में जिसके अंदर भूख है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर जाएगा किसी भी विषय। एक सवाल है कि आप दो स्टार है भोजपुरी में, जब भी ट्रेलर हो या पोस्टर लॉन्च होता है नेगेटिव बहुत आता है, कि आपका आपका आपको भी नेगेटिव कमेंट आता है, सामने वालों को भी नेगेटिव कमेंट आता है, गाली देते हैं, नहीं नहीं एक बात बताएं आपसे, सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोग सोच लिए हैं कि हमें खेसारी को गलत ही बोलना है, तो मैं रामचरितमानस का भी चर्चा करूंगा तो उसमें भी गलती निकाल देंगे वो, इसमें तो पागल कहा था। हाँ तो उनके लिए कोई शब्द नहीं, उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है, क्योंकि वो सोच ही लिए हैं। जैसे देखिए आप मन में जिस हिसाब से जिसके लिए सोचेंगे ना, आपके भाषा भी उसी तरह निकलेगा और उसी हिसाब से आप उससे बकतक करेंगे, या आपके शब्द भी उसके लिए वही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो सोच ही लिए हैं कि नहीं मुझे इसको सही बोलना ही नहीं है, तो वो जीवन में मुझे सही नहीं बोलेंगे और उनको सही करने के लिए मैं जो सही बोलने वाला है उनको नहीं खो सकता। आपका भी ऑडियंस उनको गाली देता है कि आप उनको, जो ऑडियंस है उनको क्या? अच्छा बताइए, इस ऑडियंस को जितना ऑडियंस को मैं जानता हूँ उतना ऑडियंस को अगला भी जानता है। हर आदमी अपने अपने ऑडियंस को जानता है, लेकिन पहचानता किसको है कि लिखा कौन है? कोई हमारा मौसी का लड़का तो लिखा नहीं है, तो हम कैसे बता दें कि भाई कौन लिखा है? इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुझे प्यार करते हैं, उनकी अपनी भावना है, उनका अपना विचारधारा है, उनको भी रखने का भाई छूट है, आज़ादी है, हमें भी रखने की आज़ादी है, तो हर आदमी को अपना अपना बात रखने की आज़ादी है। अब इसमें कौन गलत बोलता है, हाँ कोई सही बोलता है, अब बात रखने का तरीका जिसको जितना आता है। मति के गति रतिभूत बढ़ाई या जो जन जतन जहाँ ले पाई, इस धरती पे जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही पूछता है, उतना ही उसके सवाल होते हैं, उतना ही लिखता है, या उतना ही अपने जीवन को बड़ा करता है। लाल बाबू खेसारी को अपने पागल क्यों बनाया? प्रॉब्लम था प्रॉब्लम भाई इनका एक अलग सवाल रहा कहानी। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि स्पेशली आप अपने लुक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता की बात करूं यहां पर बहुत अच्छा लुक लग रहा है, संघर्ष की बात करूं या फिर मैं ये जो अभी गॉडफादर फिल्म भी आप करके आए हैं, तो ये अलग अलग लुक, इस पे आपका ये डिसीजन चल रहा है या डायरेक्टर आपको दे रहे हैं, कैसे ले रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ये डिसीजन मेरा नहीं होता है, ये डिसीजन मेरे डायरेक्टर का होता है कि मुझे देखिए सबसे बड़ी कि
मैं एक घर का करेक्टर हूँ, मैं समझ लीजिए कि एक ज़मीन हूँ, तो उस ज़मीन पे क्या बनाना है, उस ज़मीन पे मॉल बनाना है कि उस ज़मीन पे बेडरूम बनाना है कि उस ज़मीन पे मंदिर बनाना है, वो डिसाइड तो इंजीनियर ही करेगा, घर का मालिक करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे लुक को लेकर, और मैं कभी अपने लुक को लेकर उनके चेंज किए करना है मैं करूँगा, मुझे पागल बनना है मैं बनूँगा, मुझे भिखारी बनना है मैं बनूँगा, क्योंकि वो उनका कंसेप्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी के लिए चुना है। अगर मैं उस पर भी खड़ा ना उतरूँ तो मुझे एक्टिंग क्यों करना है, तो फिर मैं दूसरा कोई काम कर लूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर की हर उस कड़ी को पूरा करूँ और मेहनत करके उस करेक्टर को अपने अंदर लेकर आऊँ और अपने डायरेक्टर को खुश करूँ। एक एक सवाल और, एक संघर्ष का टीजर आया है, बहुत ही एकदम तांडव मचा रहा है, फरिश्ता तो सीधे ट्रेंडिंग में चला गया है, आपके लिए बेस्ट कौन सा है ये दोनों में से, क्योंकि फैंस तो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं ये फिल्म जा रही है अच्छी, वो फिल्म जा रही है, आपके दिल के करीब कौन है, संघर्ष 2 या फरिश्ता? देखिए दोनों मेरे ही बेटे हैं और दुनिया में कोई अपने बेटा को गलत नहीं बोलता है। इस धरती पे दो चीज़ें बड़ी प्यारी होती है बाबा, एक तो अपना बेटा और दूसरे की बीबी। तो ये दिमाग, हाँ अपना बेटा और दूसरे की बीबी बड़ी खूबसूरत होते हैं। अपना बेटा अगर लंगड़ा भी है ना तो वो राजकुमार लगता है, और दूसरे की बीबी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो लेकिन लगती है ऐश्वर्या राय। अपनी बीबी अगर दीपिका पादुकोण हो फिर भी वो 2-10 दिन ठीक है लगती है, उसके बाद तो फिर वो हमारे नॉर्मल सी चीज़ें, तो वही चीज़ है दुनिया में है। तो वो मेरा बेटा है, संघर्ष भी मेरा बेटा है, और संघर्ष के लिए भी मैंने, मुझे लगता है कि मैं 6-6 घंटे तक जिम किया हूँ सिर्फ उस लुक को लेने के लिए। जब भी मेरा ब्रेक होता था मैं जिम में रहता था, मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था, 7 बजे सेट पे पहुँचता था, उसके बाद फिर काम करके फिर लंच में जाता था, फिर शाम को जाता था, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था फटाफट जिम जाता था। मैं खाता कम था, सिर्फ लिक्विड पे ही जिम करता था, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा डायरेक्टर जितना सोच रहा है उसके 10 गुना ज़्यादा मैं उनको करके दूं, ताकि हमारा, हमें वही आता है और हमें उसी से जाना जाता है। अगर हम उसी के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता।